हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए विलोम शब्द लाया हूँ, इम्पोर्टेंट। चलिए पहले नंबर पर देखते हैं हार। हार का विलोम है जीत। हार का मतलब हार जाना, किसी भी प्रतिस्पर्धा में हार जाना, इसका विलोम होता है जीत। चलिए अगला देखते हैं हास। हास का अर्थ होता है हंसी। यह हास्य रस का स्थायी भाव है, इसका विलोम होता है रुदन। रुदन होता है रोने की प्रक्रिया, यह बिलाप करना। चलिए अगला देखते हैं समष्टि। समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। समष्टि का अर्थ होता है सबका समूह या ग्रुप। अच्छा, व्यष्टि का अर्थ होता है समाज से अलग किया हुआ या व्यष्टि, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम्मुख। सम्मुख सम्मुख का अर्थ होता है सामने, ये मुँह के सामने, मुँह सामने किए हुए। विमुख का अर्थ होता है किसी बात से मुँह फेर लेना या विमुख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समास। समास का विलोम होता है ब्यास। समास का अर्थ होता है पदार्थों का मिलना या शब्दों का मिलना। ब्यास पृथक करना है, अलगाव की प्रक्रिया, ब्यास। चलिए अगला देखते हैं संयोग। संयोग का अर्थ होता है मिलना और वियोग का बिछड़ना, ये तो आपको पता ही होगी। चलिए अगला देखते हैं और लास्ट स्वतंत्र। स्वतंत्र का विलोम होता है परतंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ादी और परतंत्र का अर्थ होता है दूसरों के अधीन। चलिए यही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।